आर गोइंग टू सी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9 आपके टेक्स्ट बुक में। इस प्रॉब्लम में बेसिकली सी द बॉटम लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। आपको इस प्रॉब्लम में सिर्फ इनका एक न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाना है ये फाइनल अकाउंट कंप्लीट करने के बाद, और करंट अकाउंट ओपन करने बोला है बस। नो ट्रेडिंग अकाउंट, नो प्रॉफिट एंड लॉस आपको, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे सो एडजस्टमेंट नंबर 7 में देखो आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है। सो इस प्रॉब्लम के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कभी करंट अकाउंट आपको ओपन करने बोल दिया जाए तो किस तरह उस करंट अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है, और भले इस प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट ओपन करने बोला है लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें ओपन करना होगा, बिकॉज करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया जाता है नॉर्मली, ये बेसिक एक्टिविटी होता है अकाउंट्स में। सो सबसे पहले देखो मैं आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में हमने ओपन किया है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो जैसे कि हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है जब भी हम फाइनल अकाउंट करते हैं तो हम टिक मार्क करेंगे जिस पे एडजस्टमेंट है, लेकिन अगेन आज मुझे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, तो मैं सिर्फ ऐसे ही आइटम्स पे टिक मार्क करूंगा जो बैलेंस शीट में दिखने वाले हैं या करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में जिन पे कुछ इफेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं टिक मार्क कर रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर, देन मशीनरी, और आपको और एक चीज़ इधर दिख रहा है दैट इज हिडन एडजस्टमेंट है, 8% डिबेंचर परचेस ऑन 1/10/2018। तो इनको मैंने टिक मार्क किया है, तो डेफिनेटली जब मैं पोस्टिंग करूँगा तो इनका मैं अमाउंट इनर कॉलम में लिखूंगा और नीचे एक लाइन छोड़ दूंगा। सो वन बाय वन हम ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले सो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट साइड इनर कॉलम, फर्नीचर इसके बाद इनर कॉलम, देन मशीनरी 40,000 इनर कॉलम। अब उसके बाद देखिए गुडविल है, गुडविल में कोई टिक मार्क नहीं है, गुडविल आपका असेट में जाएगा, गुडविल 2000। वेजेस का पोस्टिंग में नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, या सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, ये मून का बैलेंस करंट अकाउंट का डेबिट में दिया है, और अगर आप सन का बैलेंस देखोगे तो करंट अकाउंट का क्रेडिट में है। तो जिस जगह आपको बैलेंस दिया है बस अकाउंट में भी आपको उसी साइड उसका पोस्टिंग करना है, मतलब ये मून का करंट अकाउंट मुझे डेबिट में दिख रहा है तो करंट अकाउंट में मैं इसका एंट्री डेबिट में करूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके बाद है 8% डिबेंचर, टिक मार्क है इनर कॉलम, देन उसके बाद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है तो असेट में जाएगा, एंड स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड पोस्टल स्टैम्प्स है, सॉरी ये स्टॉक है, अगर ओनली पोस्टल स्टैम्प्स होता तो पीएनएल डेबिट में जाता, लेकिन ये स्टॉक है, स्टॉक आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक जितने भी स्टॉक होते हैं वो असेट होते हैं हमारे लिए, इसके लिए असेट में जाएगा। तो चलो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस का जितना था वो सबका एंट्री हो गया। नाउ कैपिटल अकाउंट, अभी दोनों कैपिटल अकाउंट सन मून का देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं इसको क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,500। देन करंट अकाउंट ऑफ सन क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड लाइबिलिटी है, और प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी। इस तरह जो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग था वो मैंने कर लिया। अब पहला एडजस्टमेंट क्योंकि मैं इधर ही कर सकता हूँ इजी है तो वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन दिखाऊंगा और फिर हम लोग आगे का पोस्टिंग करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ₹6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। पार्टनर लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा भी सैलरी मिलने वाला है 6,000 ईच। तो जब भी पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो हम उसको नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन अभी हमने करंट अकाउंट बनाया तो हम सब पोस्टिंग करंट अकाउंट में करने वाले हैं, तो इसका पोस्टिंग मैं करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर रहा हूँ बाई सैलरी 6,000 एंड 6,000। ओके, इसके बाद
इसके बाद का आगे जो भी है वो कैलकुलेशन पार्ट है, इसके लिए मैं मुझे आपको वर्किंग नोट दिखाना ज़रूरी है। देखो सेकंड एडजस्टमेंट इज अबाउट डेप्रिसिएशन, देन थर्ड एडजस्टमेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक का तो हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो चलो पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। सो अगेन वर्किंग नोट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आपके लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% है, फर्नीचर पे 5% है और मशीनरी पे 3% है। तो डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 है, 40,000 का आपको पता है अगर मैं 10% निकालूँ इट विल बी 4,000। फर्नीचर पे 5% है, 18,000 का आपका फर्नीचर है, 10% आएगा 1,800, तो 5% हो गया 900। लेकिन ज़रा केयरफुली देखिए आपके ये जो मशीनरी है उसके ब्रैकेट में नीचे लिखा गया था, देखिए मशीनरी ब्रैकेट में लिखा है परचेस ऑन 1/7/18, मतलब ये मशीन आपने 1 जुलाई को परचेस की है, इसका मतलब आपने इसको 9 मंथ यूज़ किया है। तो जब मैं मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो 3%, लेकिन मुझे 9 मंथ का ही ये डेप्रिसिएशन निकालना है। तो मशीनरी अमाउंट 40,000 इंटू 3% इंटू 9 मंथ इट विल बी अगेन 900। सो इस तरह मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का कैपिटल देखो 33,500 है, उस पर उनको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, सन को मिलेगा 33,500 का 5%, दैट इज 1,675। मून को भी सेम मिलेगा, 36,500 इंटू 5%, दैट इज 1,675। अब इसके बाद है नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आई थिंक ये नेट प्रॉफिट का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नेट प्रॉफिट इनका 38,113 और ये दोनों इक्वल पार्टनर है, तो किसी एक को मुझे 1 रुपया ज़्यादा देना ही होगा क्योंकि पॉइंट में हम आंसर नहीं लिख सकते। सो 38,000 सन को 38,133 इंटू 1/2, सो द आंसर विल बी 19,056.5। तो हम सन को सिर्फ 19,056 दे रहे हैं, मून को हम 1 रुपीज़ ज़्यादा दे देते बिकॉज हमें पॉइंट अवॉइड करना है। सो मून को मिलेगा 19,057। और इसके बाद और एक एडजस्टमेंट है, देखो 8% डिबेंचर के नीचे भी डेट दिया है, द डेट इज़ परचेस ऑन 1/10/2018। जरा ये मतलब समझ लो, डिबेंचर इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी को कुछ पैसा उधार पे दिया है। डिबेंचर का मतलब ये होता है जैसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, वैसे डिबेंचर में आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन ये एक तरीके का लोन होता है जो आप दूसरे को देते हो और फिर आपको उसके रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। तो आपने 8,000 का डिबेंचर परचेस किया, इन शॉर्ट आपने किसी कंपनी को 8,000 का लोन दिया है, कंपनी आपको साल का 8% ब्याज देने वाली है, लेकिन आपने ये 1/10 को दिया है, मतलब सिर्फ 6 मंथ का ही इसका जो भी इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। सो अगर मैं 8,000 पे मैं निकालूँ अगर परसेंटेज, दैट इज़ 8% फॉर 6 मंथ, इट विल बी साल का 640 आता, तो 6 मंथ का ये आ जाएगा 320। सो इन दिस वे जितना वर्किंग नोट पार्ट था मैंने ख़त्म कर दिया। चलो जितना भी मैंने वर्किंग नोट किया है उसका मैं अभी पोस्टिंग कर लेता हूँ 1 by 1। तो सबसे पहले हमने किया था डेप्रिसिएशन, तो पहले डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 4,000 माइनस किया 36,000, फर्नीचर 900 माइनस किया 17,100, मशीनरी 900 माइनस किया 39,100 एंड डिबेंचर 320 प्लस किया, क्योंकि हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमको बदले में ब्याज मिलने वाला है, दैट्स वाई ये माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा। तो ये 320 मैंने प्लस कर दिया, सो मेरा 8,000 में 320 ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 8,320। ओके सो इसके बाद था नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमारा पार्टनर्स को कैपिटल मिल रहा था, सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,675 दोनों को मिल गया। देखो जो भी मिलने वाली चीज़ है पार्टनर को वो आपको उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखनी है। देन क्लोजिंग स्टॉक था 60,743। अभी देखो फर्स्ट इफेक्ट तो नहीं दे सकते, दूसरा इफेक्ट दे दिया मैंने बैलेंस शीट में क्योंकि हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। देन उसके बाद है वेजेस का 1,000 एडवांस मतलब प्रीपेड हो गया, प्रीपेड का पहला एंट्री हम ट्रेडिंग में माइनस करते वेजेस में से, लेकिन मुझे इधर सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है तो सेकंड इफेक्ट दे रहा हूँ मैं एसेट साइड में, प्रीपेड वेजेस 1,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पे, ओके हमें किसी का तो इंटरेस्ट देना था लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है, तो अगेन ये हमारे लिए लाइबिलिटी है तो इसका एंट्री लाइबिलिटी में आ जाएगा।
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 एंड टोटल नेट प्रॉफिट जो 38113 को जो हमने वर्किंग नोट में डिवाइड किया था उसको हम बांटते हैं दोनों पार्टनर में, दैट इज 19056 एंड 19057। तो इस तरह सब पोस्टिंग हो गया, सब एडजस्टमेंट हो गया। अब मैं पहले क्लोज कर रहा हूँ मून को। मून का क्रेडिट साइड हेवी है 26732। सेम मैं डेबिट में लिखूँगा उसमें। इसी तरह मैं सन का टोटल कर रहा हूँ 32731। सेम मैं डेबिट में लिखूँगा। देखो सन के डेबिट में कुछ नहीं है तो सेम अमाउंट वापस आ जाएगा, लेकिन मून के डेबिट में 4000 था तो 26732 में से 4000 माइनस हो गया। सो इट इज़ 26732 में से 4000 गया तो 22732 आ गया। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट। अब ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये डेबिट साइड में है तो ये ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। बाय करंट अकाउंट 32731 एंड 22732। जैसे हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज किया, कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। देखिए मून का आया 56232 और सन का आया 66231। अगेन डेबिट में कुछ भी नहीं है, हम अभी लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी चीज़ बैलेंस शीट में जाती है आपको कैरिड डाउन लिखना होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये टू बैलेंस कैरिड डाउन है तो ये आपका कैपिटल हो गया। अब लाइबिलिटी में कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल सन का 66231 एंड मून का 56232, टोटल आ गया 122463। अब ये देखिए मैं टोटल कर रहा हूँ लाइबिलिटी साइड का 463 एंड 800, 263 लास्ट का 3 डिजिट आने वाला है। 1000 कैरी हो गया, 123 एंड 25, 148 और 10, 158 और 10, 5000, सो 168263। यही टोटल मेरा एसेट का भी आना चाहिए। तो अब देखिए जरा लास्ट में 263 आ रहा है क्या, तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 100 है, फिर 100 है तो 200 हो गया, देन 320 तो 520 हो गया, देन अगेन 500, 1020 हो गया, देन अगेन 500, 1520 और 700, तो ये हो गया 2263। तो लास्ट का 3 डिजिट 263 आ रहा है। 2000 कैरी हो गया, चलो 2000 कैरी में ऐड कर रहा हूँ पहले 2000 में। सो 4000, 36 एंड 440 एंड 1757 एंड 966 एंड 30, दैट इज 96 और 8104, 1105 एंड 3, दैट इज 108, 1,08,000 एंड 60, दैट इज 1,68,263। सो इस तरह मेरा ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके टेक्स्ट बुक का, जिसमें सिर्फ करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने बोला था, तो और सब हमने इसको सब अच्छी तरह पोस्टिंग एडजस्टमेंट करके इसको हमने टैली कर दिया। आप ये सब आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में क्रॉस चेक कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके तो इस टच में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखिए, आप रिपीटेडली देखिए। डेफिनेटली फाइनल अकाउंट के अभी इतने सारे वीडियो आ गए हैं मेरे चैनल पे कि अगर वही वीडियो भी अगर आप रिपीटेडली देखते रहोगे तो भी आपको